हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं लेके आया हूँ चीपेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंसिल बॉक्स की वीडियो। गाइस आज जितनी भी मेरे पास पेंसिल बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी है, अंदर से कैसा लुक है, कितना स्पेस है और साथ ही मैं प्राइस बताऊंगा। और प्राइस सुन के ना आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। और सब लोगों का एक सपना होता है उसके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स हो, कम प्राइस में एक अच्छी सी ज्योमेट्री बॉक्स हो। मेरा भी सपना था दोस्तों कि मेरे पास एक काफ़ी अच्छी सी ज्योमेट्री बॉक्स हो, जब मैं अपने बैग से निकालूँ ना तो सारे दोस्त मेरे पागल हो जाए और मेरे से बार बार पूछने लगे, भाई ये तू कहाँ से लेके आया पेंसिल बॉक्स, प्लीज़ मुझे भी बता। तो गाइस सब लोगों का सपना होता है सबके पास एक अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स हो, पेंसिल बॉक्स हो या पेंसिल पाउच हो। गाइस तो इसी चक्कर में मैं लेके आया हूँ चीपेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंसिल बॉक्स की वीडियो दोस्तों। चलो फटाफट मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स आपको कौन सी लगी दोस्तों। तो चलो फटाफट पहला पेंसिल बॉक्स उठाते हैं। पहली पेंसिल बॉक्स है ये यूनिकॉर्न की पेंसिल बॉक्स और ये बहुत ही सस्ती है और इसका प्राइस है 100 रुपीज़। गाइज मैं ऑफलाइन मार्केट से परचेज करी, ऑनलाइन मार्केट से यानी ऑनलाइन मैंने एक भी पेंसिल बॉक्स परचेज नहीं करी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं मैंने ना किसी भी वेबसाइट से परचेज करी है, ना किसी भी ऐप से परचेज करी, ये सारी मैं ऑफलाइन मार्केट से परचेज करी है। मैं गया था दोस्तों मार्केट और मार्केट से लेके आया हूँ ये सारी पेंसिल बॉक्स। तो पहली पेंसिल बॉक्स है ये 100 रुपीज़ की यूनिकॉर्न की पेंसिल बॉक्स। गाइस काफ़ी अमेजिंग है। सबसे अच्छी बात है इसका शॉर्पनर दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग शॉर्पनर है। देखो ये होल नहीं दिख रहे आपको और जब इस बटन को मैं दबाऊंगा ना तो देखना कैसे रोटेट हो जाएगा ये शॉर्पनर दोस्तों। देखो ये देखो कैसे शॉर्पनर रोटेट हो गया और इसमें दो दो शॉर्पनर मिलते हैं, एक छोटा शॉर्पनर एक बड़ा शॉर्पनर। छोटा शॉर्पनर होता है गाइस हमारे पेंसिल कलर को शार्प करने के लिए और मोटा वाला शॉर्पनर होता है गाइस हमारे पेंसिल को साफ करने के लिए। काफ़ी अमेजिंग है, मैं एक बार और दिखा दूँ ये कैसे होता है। इस तरह से बंद कर देंगे और इसके बटन को दबाते ये घूम के ऐसे आ जाएगा शॉर्पनर। और इसके पहले वाले ढक्कन ओपन करते हैं, ऊपर वाले ढक्कन को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है अंदर से। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं गाइस, जो इसमें पेंसिल को बहुत ही इजीली से लॉक करके रख सकते हैं। इस जगह भी काफ़ी अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसमें इरेजर या शार्पनर हम रख सकते हैं। शार्पनर तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो इरेजर रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों। और बैक साइड की बात कर लें, बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा सा स्पेस मिल जाता है। ये केवल मैंने 100 रुपीज़ की परचेज करी ये यूनिकॉर्न पेंसिल बॉक्स गाइस। अब सेकंड पेंसिल बॉक्स दिखाता हूँ, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी प्यारी है, बट ये थोड़ी सी महंगी है 150 रुपीज़ के, 150 रुपये की। और 150 रुपये के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है पेंसिल बॉक्स, क्योंकि ये जब मैं आपको दिखाऊंगा ना अंदर से कैसी है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे दोस्तों देख के। तो देखो पहले तो ये यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिलता है, इस बटन को दबाते यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कंपार्टमेंट मिलता है, एक और कंपार्टमेंट मिलता है, ये रहा कंपार्टमेंट। ये देखो दोस्तों ये कंपार्टमेंट एक और छोटा सा कंपार्टमेंट है, देख सकते हो इस जगह भी हम कुछ पतली सी चीज़ रख सकते हैं। और जब इसके ढक्कन को ओपन करेंगे, ये प्रिंसेस की पेंसिल बॉक्स है दोस्तों, और इसके ढक्कन को ओपन करेंगे तो इसके अंदर मिलेंगे हमें दो की मिलते हैं दोस्तों, एक ये एल वाली की एक सिंपल वाली की, दो की मिलती है। और दोनों की का यूज़ क्या है दोस्तों, विदाउट की ये ज्योमेट्री बॉक्स में कोई भी हमारा सामान चुरा नहीं सकता दोस्तों। मैं आपको दिखाऊं कैसे, तो हमारे पास है ये वाली की और इस वाली की को इसमें डालेंगे तो देखो कैसे वर्क करेगी दोस्तों। जब हम इसे रोटेट करेंगे, देखो रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से रोटेट करेंगे, रोटेट करते ही देखो नीचे से बिल्कुल अंदर से कंपार्टमेंट निकल के आता है। इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, अपनी महंगी आइटम रख सकते हैं, जो हमारे पास महंगी महंगी पेंसिल होती है, महंगी महंगी हमारे पास पेन होते हैं या हमारे पास मनी होती है, तो हम सोचते हैं हम कहाँ रखें। तो दोस्तों ये इस तरह से हम इसे कर देंगे और फिर लॉक कर देंगे, ये हो गया हमारा कंपार्टमेंट बिल्कुल लॉक, काफ़ी अमेजिंग है। और सेकंड लॉक को भी जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास भी कुछ चीज़ें होती हैं हम कैसे रखें, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने पेंसिल और पेन कहाँ रखें। तो दोस्तों ये लॉक है, इस लॉक को भी ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये देखो यहाँ से पेन पेंसिल स्टैंड निकल के आता है, इस तरह से रख देंगे और फिर हम अपनी पेंसिल पेन को रख देंगे, फिर काफ़ी ईजिली से यानी एग्जाम दे सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, तो काफ़ी अमेजिंग है। फिर इस तरह से ऐसे घुमा देंगे ये लॉक बंद हो जाएगा। इस चाबी का तो ये वक्त था, सेकंड चाबी का यूज़ दिखाऊंगा इसमें, तो सेकंड चाबी यहाँ यूज़ होगी। अब शार्पनर देखना दोस्तों, इसे घुमाऊंगा तो क्या निकलेगा, देखो कितना अमेजिंग एक शार्पनर निकलता है दोस्तों। ये देखो एक शार्पनर काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी बढ़िया सा शार्पनर निकला है। फिर इसे ऐसे कर देंगे, रोटेट कर देंगे, इसे चाबी को निकाल देंगे, फिर इसे बंद कर देंगे दोस्तों, बस बढ़िया सा। और जब एक और लॉक है, इस वाले लॉक को ओपन करेंगे इस तरह से, तो एक कंपार्टमेंट निकल के आता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है दोस्तों। इसमें भी कुछ भी हम चीज़ रख सकते हैं, अपना स्टडी मटेरियल। फिर चाबी निकाल लेंगे, फिर हम इस तरह से बंद कर देंगे और ये चाबी को हम अपने जिम में रख लेंगे। तो ये थी हमारी
प्रिंसेस की हिडन ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, हिडन ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, काफी अमेजिंग, और 3D ज्योमेट्री बॉक्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। और इसका प्राइस है 150 रुपए, इसे मैंने 150 रुपए का परचेज किया, काफी अच्छी है। सेकंड थर्ड ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूँ दोस्तों, थर्ड है ये मेरे पास, काफी अमेजिंग, काफी बढ़िया सी ये है दोस्तों, प्रिंसेस की USB पेंसिल बॉक्स गाइस, और इसे मैंने 100 रुपीज के परचेज करी है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस मोटाई ज्यादा, मोटाई इसीलिए इसकी ज्यादा है क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो ये जब ओपन करते हैं तो कुछ सिंपल सा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है दोस्तों, इस तरह का कंपार्टमेंट अंदर से मिलता है देखने को। बैक साइड की बात कर ले, बैक साइड में भी सेम कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है बस हमें। और सबसे अच्छी बात ये पेंसिल बॉक्स की 200 रुपीज में हमें मिलता है इसके अंदर एक USB लाइट गाइस। ये USB लाइट इस तरह से है, जब हम रात में हमारी लाइट चली जाती है या स्टडी करने के लिए, हमारे पास कुछ होता नहीं है लाइट जाने के बाद और स्टडी जरूरी करनी है, तो इसमें USB मिलती है हमें, एक लाइट वाली USB इस तरह से लगा लेंगे ज्योमेट्री बॉक्स में और फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, तो इसे चार्ज करना पड़ेगा, तो इसे मैंने अभी चार्ज नहीं किया है, इसे चार्ज करके फिर ये USB जलने लगेगी, तो काफ़ी अमेजिंग 100 रुपीज की ये ज्योमेट्री बॉक्स, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है। अब मैं दिखाता हूँ केवल 70 रुपीज की ये ज्योमेट्री बॉक्स, स्पाइडरमैन की ज्योमेट्री बॉक्स है, 70 रुपीज की परचेज करिए, 70 रुपए की। सबसे अच्छी बात है इसमें दो शार्पनर मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, दो स्पाइडरमैन देख रहे हैं, ये 3D एक वॉलपेपर मिल जाता है, और जब इसे ओपन करते हैं तो देखना क्या होगा, ओपन करते हमें एक कैलकुलेटर देखने को मिलता है दोस्तों, ये देखो हिडन कैलकुलेटर है, और जब देखो हमने इसे इस वाले ढक्कन को ओपन कर रखा है तो कैलकुलेटर कर दो पीछे, देखो कैलकुलेटर आ गया आगे, देखो इस तरह का काफ़ी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है, और फिर कैलकुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, और फिर जब हमारा कैलकुलेटर का वर्क ख़त्म हो जाए तो फिर इस तरह से कर दो, तो काफ़ी अच्छा स्पेस अंदर मिल जाता है, दो हमें मिल जाते हैं इसके अंदर शार्पनर। और बैक साइड की बात कर लें तो बैक साइड में देखो दोस्तों, ये वाला स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, 70 रुपीज़ की परचेज करिए। अब एक और मैंने ये 80 रुपीज़ की परचेज करी, ये प्रिंसेस की मैंने पेंसिल बॉक्स गाइस, देखो कितनी अमेजिंग है, 3D लुक में है, काफ़ी बढ़िया, ये देखो इस तरह की ये पेंसिल बॉक्स है गाइस, इसे ओपन कर लिया, ये पहला कंपार्टमेंट, फिर सेकंड कंपार्टमेंट ओपन करके कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर भी, देखो कितना अच्छा स्पेस है। बैक साइड की बात कर लें दोस्तों, तो बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, 3 कंपार्टमेंट मिलते हैं, छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स, इसे परचेज किया केवल 80 रुपए की मैंने ऑफलाइन मार्केट से दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली डोरेमोन की पेंसिल बॉक्स, और इसे परचेज किया मैंने 120 रुपीज़ की परचेज करी है, और देख सकते हो कितनी अमेजिंग है, कितनी लाजवाब है, इसमें दो शार्पनर मिलता है, साथ में हमें मिलता है कंपास भी मिलता है, देख सकते हो दो शार्पनर, एक बड़ा शार्पनर, छोटा शार्पनर, कंपास। और सबसे अच्छी बात क्या है पेंसिल बॉक्स की, मैं आपको दिखा दूं, जब इसके कंपार्टमेंट ढक्कन को ओपन करते हैं ना तो इसके अंदर मिलती है हमें एक लाइट, काफ़ी अमेजिंग लाइट मिलती है दोस्तों, और इस लाइट से हम स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ बटन है गाइस, और इसमें लगते हैं सेल, इसमें सेल डाल लो और फिर इसके बटन को ऑन कर लो, ये देखो लाइट जल रही है हल्की हल्की क्योंकि सेल हो गए डाउन, इस चक्कर में शायद लाइट कम जल रही है, तो काफ़ी USB यानी USB प्लस लाइट बहुत कुछ बोल सकते हैं इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स को, लाइट वाली ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। और कंपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, स्पेस काफ़ी अच्छा है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। बैक साइड की बात कर ले, बैक साइड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स में। डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स ये लाइट वाली मैंने परचेज करी है 120 रुपीज़ की, इसमें कंपास भी मिल गया, लाइट भी मिल गई, और दो शार्पनर भी मिल गया दोस्तों। चलो अब ओपन करते हैं गाइस ये पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स, गाइस पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस, बैक साइड में आप देख सकते हैं माइक्रोविन की फोटोज छपी है, टेबल लिखे हुए हैं बैक साइड में। अब इसे ओपन करते हैं, इसे और इसके ढक्कन ओपन करने से पहले मैं इसका प्राइस बता दूं दोस्तों, इसका प्राइस केवल है 60 रुपीज़ का, मैंने 60 रुपए की परचेज की, और 60 रुपए में देखो हमें एक तो पियानो मिल जाता है, बजता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, और सबसे अच्छी बात है ये देखो इसके अंदर हमें मिल जाता है एक मैक्वीन का स्केल, काफ़ी अच्छा सा 15 सेंटीमीटर का, और इसके अंदर मिल जाता है हमें काफ़ी प्यारा सा एक पेंसिल, काफ़ी अच्छी सी एक यूनिकॉर्न की पेंसिल मिल जाती है, एक बहुत ही शानदार शार्पनर मिल जाता है दोस्तों, और एक काफ़ी अच्छी इरेजर मिल जाती है मैक्वीन की, और बाकी काफ़ी अच्छा स्पेस है, और इसे केवल मैंने 60 रुपए की परचेज करी है गाइस ये पियानो वाली पेंसिल बॉक्स को। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स का, ये मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है, मिनियंस के ऊपर बेस है ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स, और इसे परचेज करी है मैंने 120 रुपीज़ की। अब 120 रुपीज़ में ये मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीद सकते हो, और ये लाइट प्लस नेविगेशन वाली भी
ज्योमेट्री बॉक्स खरीद सकते हो। 120 पीस की है और इसमें देखो स्पेस कितना सारा है। पहले वाले ढक्कन को ओपन करते हैं तो इसमें काफी अच्छा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है गाइस। और इसे मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज करी है, किसी भी ऐप से परचेज नहीं करी है, किसी वेबसाइट से परचेज नहीं करी है मैंने, आपको बता दूं तो दोस्तों। और इसमें मिल जाता हमें एक कंपार्टमेंट ये वाला, और एक बटन को दबाते हमें मिल जाता है एक शार्पनर इसके अंदर, और दो बटन फ्रंट में मिलते हैं हमें। ये देखो ये फ्रंट में, अरे दब गया भाई, ये दो कंपार्टमेंट मिल गए गाइस। काफी अच्छा स्पेस है इस कंपार्टमेंट में भी गाइस। इसे मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। बैक साइड की बात कर दूं तो बैक साइड में भी काफी अच्छा स्पेस, और यहाँ पे नेम और क्लास लिखा हुआ है जहाँ पे हम अपना नाम और क्लास भी लिख सकते हैं। बाकी काफी अच्छा स्पेस है, काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है। 120 पीस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी पेंसिल बॉक्स है दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, आप दिखाता हूँ भाई। जंबो ज्योमेट्री बॉक्स ये है 150 रुपए की परचेज करिए ऑफलाइन मार्केट से, काफी बड़ी है। और 150 रुपए में ना इतनी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स कहीं नहीं मिलती दोस्तों, देख सकते हो काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है। देखो मोटाई भी देखो कितनी बढ़िया है, देखो बैक साइड में भी देख सकते हो कितनी अच्छी सोफिया की फोटो छपी है, और यहाँ नेम और क्लास लिखने की पर्ची छपी हुई है। अब चल के गेट को ओपन करते हैं तो ढक्कन को ओपन करते ही देखो इस तरह का कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं तीन पेंसिल स्टैंड या पेन स्टैंड मिल जाते हैं। इसमें हिडन एक कंपार्टमेंट है, उससे बटन को दबाते हिडन कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा, देखना दोस्तों। चलो भाई देखो दबाते ही देखो हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है इसके अंदर। और सबसे बात अच्छी बात है यहाँ पे एक बटन है, इस बटन का यूज़ क्या है दोस्तों, इस बटन को दबाते ही ना ये देखो ये कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा स्पेस है और इसमें काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आ जाता है, हिडन में ये छुपा हुआ है किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये दोस्तों बटन है, ये देखो इस बटन को दबाते ही ये वाला कंपार्टमेंट निकल के आता है, काफ़ी अच्छा है। और बाकी चार बटन फ्रंट में मिल जाते हैं, चारों बटन का यूज देख लेते हैं दोस्तों। तो इन दोनों बटन दबाते ही ये वाला कंपार्टमेंट निकलता है, इस बटन को दबाते एक शार्पनर निकलता है जिसके अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, ट्रे है काफ़ी अच्छी थी, और एक बटन को दबाते ही काफ़ी मोटा कंपार्टमेंट देखने में निकल जाता है गाइस। तो ये थी फ्रंट में सोफिया की जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, 150 रुपीज़ की परचेज करी है। और जो बैक साइड में दिखा दूँ दोस्तों तो बैक साइड में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये थी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, इससे मैंने 150 रुपए की परचेज करी है दोस्तों। अब बहुत ही सस्ती दिखाता हूँ, ये परचेज करी है 40 रुपीज़ की मैंने केवल पेंसिल पाउच गाइस, 40 रुपीज़ की परचेज करी है पेंसिल पाउच। ये है फ्रोजन की, देख सकते हो कितनी अमेजिंग है। ऐसे ओपन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है अंदर से। देखो 40 रुपीज़ की परचेज करी है, इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है दोस्तों देखो। और ये सिंपल 40 रुपीज़ में क्या मिलता है दोस्तों, काफ़ी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स नहीं बोलेंगे इसे, पेंसिल पाउच बोलेंगे। तो ये अब तीन है, तीन को मैं फटाफट दिखा दूँ। तो ये है गाइस, मैंने 100 रुपीज़ के परचेज करी है इस हेलो किटी की ज्योमेट्री बॉक्स को। और इसके पीछे तो हमें अल्फाबेट्स देखने को मिल जाते हैं लिखे हुए हैं, टेबल्स भी लिखी हुई है। और सबसे अच्छी बात है जब इसके ढक्कन को ओपन करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है। स्टडी मटेरियल क्या मिलता है हमें, देखो हमें मिल जाता है इरेजर, शार्पनर, और इसके अंदर एक पेंसिल, और इसके अंदर हेलो किटी की एक मिल जाती है हमें 15 सेंटीमीटर का स्केल। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों हमें कुछ इसके अंदर कैलकुलेशन मिल जाती है करने के लिए, तो मार्कर, ये देखो मार्कर मिलता हमें, और ये कैलकुलेशन जैसे हम करेंगे कैलकुलेशन, ये मार्कर अभी चल नहीं रहा, खराब हो गया, कोई नहीं पानी डाल के सही कर लेंगे। और देखो कैलकुलेशन मैथ मिल जाती है कुछ इस वाले कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। 100 रुपीज़ की परचेज करिए, और यहाँ पे मिल जाता है हमें एक वाइट बोर्ड दोस्तों, काफ़ी अच्छा वाइट बोर्ड है। और यहाँ पे हमें डस्टर मिल जाता है इस मार्कर के ढक्कन के अंदर, तो काफ़ी अच्छा है ये वाला पेंसिल बॉक्स, 100 रुपीज़ की परचेज करिए हेलो किटी की दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ एक काफ़ी अच्छी थी हेलो किटी की, ये मिनी कार ज्योमेट्री बॉक्स, मिनी कार है, इसमें देखो व्हील, देखो व्हील लगे हुए हैं दोस्तों, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। 80 रुपये की परचेज करिए इस 3D ज्योमेट्री बॉक्स को, मैं देखो देखो कितनी अमेजिंग कितनी प्यारी है गाइस, देख सकते हो लाजवाब, अंदर टेबल लिखे, अंदर एक कंपार्टमेंट मिलता है, कंपार्टमेंट को निकालते ही देख सकते हो, देखो ये भी कंपार्टमेंट है, इसमें व्हील लगे हैं, काफ़ी अच्छा सा है ये पेंसिल बॉक्स। इसे केवल परचेज करिए मैंने 80 रुपीज़ की, शायद 80 या 60 रुपीज़ की परचेज करिए। और ये भी बहुत अच्छी पेंसिल बॉक्स है, ये है फ्रोजन की, 120 रुपीज़ की परचेज करिए। इसे हम लैपटॉप ज्योमेट्री बॉक्स भी बोल सकते हैं, या बुक, वैसे तो नाम है इसका बुक सेल्फ पेंसिल बॉक्स गाइस, तो बुक सेल्फ क्यों है देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ये पेंसिल बॉक्स है। और इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाता है एक वाइट बोर्ड गाइस, और जब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं हमारे हाथ थक जाते हैं तो हमें इस जगह मिल जाता है एक काफ़ी अच्छा था एक स्टैंड, बुक स्टैंड मिल जाता है, बुक रख लेंगे दोस्तों इस तरह से रख लेंगे हम,
देखो इस तरीके से रख के हम स्टडी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस अंदर से है, बाकी स्पेस भी काफी अच्छा है, इस जगह हम स्टडी मटेरियल भी रख सकते हैं। दोस्तों ये देखो काफी अच्छी है, काफी प्यारी पेंसिल बॉक्स है, इसे 120 रुपीज की परचेज करी। दोस्तों ये सारी थी आज की सबसे चीपेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंसिल बॉक्स की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, और आपको सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।